Good morning students, today we are going to read about subtraction of 4 digit numbers, okay? So, aaj hum subtraction padhenge 4 digit numbers ka, okay student? To hum isse kaise karenge? Dekho, students aaj humne 4 digit number ka subtraction karna hai. Iske pehle aapne addition kiya tha, to jaise aapne addition kiya tha, hum logo ne एडिशन किस तरह किया उसी तरह हमें सब्ट्रैक्शन करना है. हमने क्या किया था, पहले एडिशन में हमने ऐड किया था और हमारा प्रोसेस वही होगा, वैसे ही हम इसे अरेंज करेंगे. एंड जैसे आपने एडिशन किया तो बस हमें क्या करना है, उसके लगे सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 6396-2192 मींस, देखो इसको पढ़ो, रीड करो. वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड, तो 6396 में से हमें कितना माइनस करना है, 2192. ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे हम माइनस करेंगे, देखो हम पहले इन्हें अरेंज करेंगे. तो 6396 एंड 2192 हमें इसे सबट्रैक्ट करना है, मतलब हमें इसे माइनस करना है. तो सबसे पहले क्या करोगे आप, वंस वाला जो हमारा कॉलम है ये वाला राइट साइड से, ये होता है वंस वाला कॉलम, मैंने आपको पहले भी बताया था. तो इस वाले कॉलम को आपको पहले सॉल्व करना है, देन आपको इस वाले कॉलम को सॉल्व करना है. ये वंस कॉलम है टेंस वाला, ठीक है, एंड ये है हमारा हंड्रेड्स वाला और ये है हमारा थाउजेंड वाला कॉलम. तो आपको पहले वंस वाले कॉलम को सॉल्व करना है, देन टेंस वाले को, देन हंड्रेड्स वाले को, देन थाउजेंड वाले को. ओके, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 6 में से 2 को हम माइनस करेंगे. तो 6 में से अगर आप 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 4. कैसे, ये आप अपने टिप्स पे भी काउंट करके कर सकते हैं या फिर आप लाइन ड्रॉ करके जैसे आप पहले करते थे, ठीक है, प्रीवियस क्लास में जैसे आप करते थे आप वैसे भी कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको अच्छे से आता है सबट्रैक्शन तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. तो 6 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4. ओके, अब हम नेक्स्ट कॉलम पे जाते हैं. अब हमारा टेंथ वाला जो कॉलम है उसमें हमारा है यहाँ ऊपर 9 एंड नीचे भी 9 है, तो इनमें से हम माइनस करेंगे. अब 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 0. तो स्टूडेंट्स अगर हम किसी भी नंबर में से उस नंबर को माइनस करते हैं तो कितना आता है हमारे पास में, 0. ओके, अब है हमारे पास में देखो 3. 3 में से अब हम 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2. ठीक है, तो 100 वाले कॉलम को भी हमने सॉल्व कर लिया. अब 1000 वाले की बात करते हैं, तो यहाँ 1000 वाले कॉलम में यहाँ 6 है एंड यहाँ 2 है. 6 में से 2 को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4. तो मैंने यहाँ लिखा 4. ओके, अब है हम, अब हमारा आंसर क्या आया, 4204. तो हम यहाँ लिख देंगे 4204, ठीक है, आपको इसे बॉक्स में फिल कर देना है. अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन में सबट्रैक्शन दिया हुआ है तो आप इस तरह से अरेंज करके कर सकते हैं, एंड अगर आपको ऑलरेडी नंबर्स अरेंज करके दिया है तो आपको सिर्फ डायरेक्ट सबट्रैक्शन करना है. ओके, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. तो इसमें हमारे पास क्या नंबर है, देखो वंस टेंस थाउजेंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, तो हमारा ये कितना है, 7468. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसे किस में से माइनस करेंगे, 2157 में से. तो हम पहले नंबर्स अरेंज करेंगे, तो 7468 एंड 2157. अब हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो कैसे, कितना आएगा हमारा, देखो सबसे पहले वंस वाले कॉलम को, फिर टेंस वाले को, फिर हंड्रेड वाले को, फिर थाउजेंड वाले को. तो वंस वाले कॉलम में हमारा यहाँ 8 है, तो 8 में से 7 को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से आप 7 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 1. ओके, तो 8 में से 7 को माइनस किया तो हमारा आना यहाँ पे 1. ओके स्टूडेंट्स, अब हम टेंथ वाले में जाते हैं. तो 6 में से 5 को हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1. ओके, अब हम बात करते हैं हंड्रेड्स वाले कॉलम की, ठीक है. तो हंड्रेड्स वाले कॉलम में हमारा कितना है, 4. 4 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3. अब है थाउजेंड वाला कॉलम. अब थाउजेंड वाले कॉलम में 7 में से 2 को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5. ओके, तो आंसर कितना आया स्टूडेंट्स हमारा, यहाँ हमारा आंसर आया है 5311. ओके स्टूडेंट्स, तो मैं लिखूंगी 5311. तो मेरा आंसर मैंने बॉक्स
ओके। अब आपके पास है सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग, ओके। तो यहाँ जो आपने सब्ट्रैक्शन सीखा, ये कैसा है विदाउट बोरोइंग, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपल सब्ट्रैक्शन किया है, अब आपको बोरोइंग वाला करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हम कैसे करेंगे, आज आपको सीखना है, हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे विद बोरोइंग नंबर, ठीक है। तो इन नंबर्स को हम पहले ऐसे ही अरेंज करेंगे एंड इन्हें हम फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले आप नंबर्स को अरेंज करें एंड इसे पहले रीड करो, वंस टेंस हंड्रेड से थाउजेंड, तो ये कितना है हमारा 5001। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे 5001 एंड नीचे यहाँ पे ये जो नंबर है हमारा, ये हम नीचे लिखेंगे, तो ये कितना है 1353। तो अब आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे देखो, आपको यहाँ पे ऊपर नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और आपको सबसे पहले वंस वाला, फिर टेंस वाला, फिर हंड्रेड वाला, फिर थाउजेंड वाला कॉलम सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले वंस वाले कॉलम पे जाते हैं, वंस वाले कॉलम में हमें यहाँ वन दिया हुआ है एंड नीचे दिया हुआ है थ्री। तो स्टूडेंट्स, वन में से हम थ्री को माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लेफ्ट साइड से हमें, सॉरी, इसके राइट साइड से हमें क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ पे हमारा जो ये है, देखो हमें इसके राइट साइड से क्या करना है, वन बोरो करना है। तो यहाँ पे तो लेकिन जीरो है, तो हम इससे बोरो नहीं कर सकते। फिर आप इसके लेफ्ट में और जाएंगे, मतलब इसके राइट में और जाएंगे, तो क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी जीरो है, फिर आपको इधर जाना है, यहाँ पे जीरो तो आप उससे पता ले सकते हैं, फिर आपको इधर जाना है, तो यहाँ कितना है स्टूडेंट, फाइव। फाइव को आप जो फाइव है इससे आप वन इधर लेंगे, देखो तो यहाँ फाइव की जगह हमारा यहाँ पे फोर बचेगा अगर आप वन इसको दे देते, तो ये कितना हो जाएगा हमारा टेन, ठीक है। अब इस टेन में से आपको वन इधर देना है, तो फिर ये हो जाएगा हमारा नाइन एंड ये हो जाएगा हमारा टेन, ओके। ठीक है, ये हमारा नाइन हो गया और यहाँ बचेगा हमारा टेन, ठीक है। अब फिर आपको इस टेन में से इधर आपको वन देना है, तो यहाँ आपका होगा नाइन एंड आपका वन यहाँ चला जाएगा। तो इस वाले में हमारा कितना हो गया, देखो इलेवन, वन वाला जो कॉलम है यहाँ पे इलेवन आ गया। अब इलेवन में से आप थ्री को माइनस करेंगे, तो इलेवन में से आप थ्री को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एट। तो मैंने यहाँ लिखा एट, ओके। तो हमने यहाँ पे इस तरह से, एक और बार आप इसे देखिए, हमने इसे कैसे बोरो किया है, यहाँ पे हमारे पास था वन है ना, और ये नीचे का थ्री, तो वन में से थ्री को माइनस हम नहीं कर सकते, इसलिए हमने इधर से वन बोरो करने का सोचा, बट यहाँ पे जीरो है, फिर आप इधर देखेंगे यहाँ भी जीरो एंड यहाँ है हमारा फाइव। तो हम फाइव से वन इधर भेजेंगे, फिर इधर भेजेंगे, फिर इधर भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा कितना बचा स्टूडेंट, नाइन। अब नाइन में से फाइव को माइनस करेंगे जो कि हमारा कौन सा वाला, टेंस वाला, तो नाइन में से फाइव को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, फोर। अब हम हंड्रेड वाले कॉलम में जाते हैं, यहाँ है नाइन, नाइन में से थ्री को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सिक्स। फिर लास्ट वाला जो कॉलम है थाउजेंड वाला, उसमें हमारा क्या है, फोर। फाइव की जगह हमारा कितना बच गया, फोर। तो हम क्या करेंगे, फोर में से वन को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, थ्री। तो हमारा आंसर कितना आया, 3648, ठीक है। तो मैंने आंसर लिख दिया, अब बॉक्स में फिल कर दिया, 3648। अब हम लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, ये ऐसे ही हम बोरो करेंगे। तो पहले हम नंबर्स को अरेंज करेंगे, तो देखो कितना है ये 4692 एंड ये दूसरा नंबर है हमारा 9888। तो आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे है हमारा, देखो ये है हमारा वंस वाला कॉलम, ये टेंस वाला, ये हंड्रेड वाला एंड ये थाउजेंड वाला। तो सबसे पहले हम वंस वाला कॉलम सॉल्व करेंगे, ओके। तो वंस वाला जो कॉलम है हमारा, देखो ये है टू, तो टू जो है हमारा, ये टू में से आप एट को माइनस करेंगे तो वो माइनस नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इधर से, ठीक है, हम
लेफ्ट साइड से वन बोरो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस नाइन से हम वन बोरो करेंगे, तो नाइन से अगर हमने वन बोरो किया तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा एट एंड वन हमारा यहाँ चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा ट्वेल्व। अब ट्वेल्व में से आप एट को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ट्वेल्व में से एट को माइनस करने पर बचता है स्टूडेंट्स हमारा फोर, तो यहाँ लिख दिया मैंने फोर। अब आप टेंस वाले कॉलम पे आते हैं तो एट यहाँ पे एट में से एट को माइनस करेंगे तो जीरो, फिर आप यहाँ देखो ये है हंड्रेड वाला कॉलम, यहाँ पे है सिक्स, सिक्स में से आप एट को माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, देखो माइनस होगा ही नहीं तो फिर हम क्या करेंगे वन बोरो करेंगे, तो देखो फोर में से आपने वन इधर दे दिया यहाँ हो गया सिक्सटीन और यहाँ बचा हमारा थर्टीन, तो फिर आप सिक्सटीन में से एट को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा एट। अब है यहाँ पे हमारा थाउजेंड वाले कॉलम में थ्री, थ्री में से आप थ्री को माइनस करेंगे तो आएगा जीरो, तो आपका आंसर कितना आया, यहाँ पे जीरो को जीरो तो आ गया तो इसका इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो 804 तो हमारा आंसर आया 804, ठीक है। तो इस तरह से आपको सब्ट्रैक्शन करना है विद बोरोइंग एंड विदाउट बोरोइंग वाले, ओके स्टूडेंट्स, तो आप इजीली आपके बुक के क्वेश्चंस इस तरह से कर सकते हैं।